हरिद्वार ऋषिकेश हरिद्वार ऋषिकेश चलो चलो हरिद्वार ऋषिकेश हरिद्वार ऋषिकेश हरिद्वार हरिद्वार। हाँ जी बाबा जी हरिद्वार जाना है। हाँ बेटा बैठो बैठो चलो चलो हरिद्वार ऋषिकेश हरिद्वार ऋषिकेश हरिद्वार हरिद्वार ऋषिकेश चलो चलो हरिद्वार ऋषिकेश। फटो की हो गया बाबा जी नो फटो फटो। अरे क्या हुआ? ओ पता नहीं जी चक्कर खा के गिर गए बाबा जी। अरे उठो बाबा, अगर सफर नहीं होता तो क्यों बुढ़ापे में इतना सामान उठाकर चलते हो? बच्चे कहाँ है तुम्हारे? हाँ हाँ कहाँ है? मर गए सबके सब, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है बुढ़ापे में, कोई नहीं है। अरे अरे रोते क्यों? बस बस आओ इधर बैठो बाबा। ओ बाबा जी ओ दुखी ना हो जी, ओ गल तां दसो की हुई है। अरे क्या बताऊं बेटा, मेरा एक बेटा जिसको मैंने इतने लाजों से पाला, आज मुझे ही बोलता है कि हमने 14 फरवरी को अपने घर वैलेंटाइन की पार्टी रखी है और आप मेरे दोस्त के सामने बताना, आपसे मिलने के बाद मेरी रेपुटेशन कम हो जाएगी, इसलिए आप कहीं घूम आओ। वैलेंटाइन डे कहता नमा से आप है? अरे जहां तक मैंने सुना है ये कोई प्यार का दिन बताते हैं। अरे कौन सा प्यार अंकल, मैं बताता हूँ, इस दिन तो प्यार के नाम पे ड्रग्स दारू अश्लीलता का व्यापार होता है। इस दिन तो लाखों युवा लड़के लड़कियां अपना शोषण करके बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ते हैं, अपनी जिंदगी को तो बर्बाद करते ही हैं, साथ में अपने माता पिता की इज्जत आबरू को भी मिट्टी में खुरेद देते हैं। बिल्कुल सही कहा बेटा, ऐसा ही है। लेकिन टीवी वाले तो इसे प्यार का दिन दिखाते हैं और इस पे तो कोई फिल्में भी बनी हैं। सुनिए एक फिल्म आई थी मरते हैं एक दूजे के लिए, उसको देखकर कई युवा लड़का लड़की आत्मघात करके मर गए। पिक्चर वालों ने तो अपना काम कर दिया, पैसे कमा लिए और अपने अपने घर में बैठे होंगे, लेकिन उन्हें देखकर जान देना कहां की समझदारी है। ओ साडे पिंड च तां एक कुड़ी मुंडे नाल भज गई ते ओदी मां नूं अटैक आ गया, अज ओ बेचारी मरन कंडे पई है। हां मैंने भी कल पेपर में पढ़ा था, एक बाप ने अपना घर बेचकर अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया और आज वो लड़की वैलेंटाइन डे के चक्कर में आकर अपने बाप को धोखा देकर किसी लड़के के साथ भाग गई और फिर कुछ दिन बाद सुसाइड करके मर गई। ऐसी खबरों से तो अखबार डेली भरा रहता है। देखा, अब आप खुद सोच लीजिए, भला जो त्योहार दूसरों को विनाश की तरफ ले जाए उसे त्योहार कहेंगे या बद्दुआ? माँ बाप को चाहिए कि वह अपने बच्चों को शुरू से ही अच्छे संस्कार दें। बिल्कुल, ताकि ऐसे अंधे युग में वह संभल कर चले, इसीलिए समझाएं। और ब्रह्मचर्य महानता की मूर्ति स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह और मीराबाई जैसे महापुरुषों की कहानियां सुनाकर उनके जैसा बनने की प्रेरणा दें। अगर भगत सिंह जैसे वीर लवर लवरी के चक्कर में पड़कर अपना जीवन गवा देते तो क्या आज हमारा देश आजाद होता? आप बताइए। सही कहा, सही है, सही कहा आपने। चलो आप ऐसा करते हैं, हम आपको घर छोड़कर आते हैं, हम आपके बेटे को अच्छे से समझाएंगे। अरे आप चलो तो सही। हाँ हाँ आइए आइए चलो। घर का दृश्य। अरे घर पे कोई है क्या? हाँ जी बोलिए। अरे पापा आप यहाँ? अरे तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? और वहां तुम्हारे पिताजी इतना सामान लेकर अकेले जा रहे थे और गिर पड़े, अगर किसी गाड़ी के नीचे आ जाते तो क्या होता, सोचा है कभी? तो
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ हाँ शर्म आनी चाहिए। इन्हें घर बैठाइए और आराम करवाइए, हम चलते हैं। मिल गया चैन आपको इतने लोगों में मेरी नाक कटवाकर। अरे क्या मिला आपको? सोचा था कहीं घूम आएंगे। अब मैं कल ही आपको अनाथ आश्रम में छोड़कर आऊंगा। लेकिन बेटा कुछ लेकिन नहीं, दिस इज माय फाइनल डिसीजन। बेटा अनाथाश्रम का दृश्य। आइए आइए और बताइए कैसे आना हुआ। जी बस मैं इन्हें आज छोड़ने आया हूं। अच्छा नाम लिखवाइए इनका। अरे आप मिश्रा जी हो ना, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए आपके। अरे पिताजी आप जानते हो इनको? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं जानते। आज से तकरीबन 25 साल पहले एक अनाथ बच्चे को लेकर गए थे यहाँ से। और मिश्रा जी क्या हाल है उसका बताइए ना, क्या हाल है उसका? अरे बेटा बताओ अपने बारे में। तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं मैनेजर साहब। अरे क्या ये वही लड़का है? वाह बेटा वाह, अच्छा सिला दिया तुमने। जिस पिता ने सारी उम्र तुम्हें ये पता ही नहीं लगने दिया कि तुम एक अनाथ हो, उसी पिता को आज तुम बेसहारा करके चले हो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब कोई तुम्हें मंदिर की सीढ़ी में छोड़कर चला गया था और वहां से कोई तुम्हें इस अनाथ आश्रम में छोड़ गया। और एक दिन ये भला पुरुष यहाँ आया और तुम्हें अपने सीने से लगाकर यहाँ से ले गया। और आज देखो अपने आप को, तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाया, समाज में रहने लायक बनाया। सोचो जरा अगर ये तुम्हें यहां से नहीं लेकर जाते तो तुम्हारी क्या हालत होती। अगर औलाद ऐसी होने लगी तो लोग बे औलाद होने की दुआ मांगेंगे। अरे बेटा तुम्हें पश्चाताप हो गया ना? पश्चाताप का एक आंसू भी लाखों लाखों पापों को धो देता है। इसमें तुम्हारा भी क्या कसूर है? विदेशी ताकतें हमारी संस्कृति को तोड़ने में ही ऐसी लगी हैं।
और उसी के तहत सभी टीवी चैनलों को पैसे देकर विदेशी प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। कभी दिखाया है किसी चैनल ने स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी के महान व्यक्तियों के चरित्र के बारे में? और अगर दिखाएंगे तो वो भी उल्टा पुल्टा। आज जिस किसी भी चैनल को खोल कर देख लो, वैलेंटाइन नाम की आफत की ही चर्चा है। और जो भी अपनी भारतीय संस्कृति को भूलकर विदेशी संस्कृति के चक्कर में आएगा वो तो ठोकर खाएगा ही। बस मैनेजर साहब, अब और नहीं। आज से मैं यह प्रण लेता हूं कि विदेशियों के चक्कर में नहीं आऊंगा और अपने माता पिता का आदर करूंगा। शाबाश बेटा, जैसे तुम रास्ते से भटके वैसे कोई और ना भटके, इसलिए विश्व वंदनीय परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी की पावन सत प्रेरणा से 14 फरवरी के दिन मनाया जा रहा है मातृ पितृ पूजन दिवस। वैलेंटाइन डे मनाकर गुमराह हो रही किशोर एवं युवा पीढ़ी को पूज्य बापू जी ने मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव इस वैदिक मंत्र की महिमा बताकर उन्हें ज्ञान का प्रकाश दिया है। पूज्य बापू जी की प्रेरणा से ही आज देश भर में लाखों बच्चे एवं युवा अपने देव तुल्य माता पिता का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में 167 देशों में मनाया जाता है। तो चलो हम सब संकल्प लें कि हम भी आज से 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाएंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आइए हम सब मिलकर मनाएं 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस।